हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है दोस्तों 4th of March और हमेशा की तरह दोस्तों सुबह के 5 जो है वो बज चुके हैं और आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग कई सारे अच्छे सवाल हैं जो कि कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज है फ्राइडे जैसा कि आप सभी को मालूम है और सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह अनअकैडमी प्लस के बारे में। आपको लगाना है BHU 10 या फिर BHU 10, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। और जो भी लेटेस्ट ऑफर है वो सभी दोस्तों आपको UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करिए, जो भी आपका एग्जाम का गोल है 40 प्लस एग्जाम में से, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और आप यहाँ पे BHU 10 लगा सकते हैं, आपको मिलेगा 10% ऑफ। और SSC के अंदर दोस्तों जो है वो शुरुआत करने वाला हूं मैं बायोलॉजी के बैच से, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो एक बच्चे के एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके, आप स्पॉन्सर है चाइल्ड एजुकेशन पे जाके, smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके। क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आरोग्य वनम के बारे में बताना है ना। आरोग्य वनम, तो ये दिल्ली में नवनिर्मित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। ओके, तो ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये कितने पौधे हैं जो कि इसमें इंक्लूड करे गए हैं, तो 215 दोस्तों यहाँ पे प्रजातियां इंक्लूड करेगी। बहुत बड़ी बात है, मतलब इतने सारे प्लांट हब जो है वो एक साथ जो कि काम में लेना। चलिए, आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 2 मार्च 2022 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इको सिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो आपको यहाँ पे फोटो नजर आ रही है दोस्तों, आपको आंसर पता ही है, निर्मला सीतारमन जी, बिल्कुल सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम, ये सब इन्हीं के द्वारा दोस्तों अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। कुल मिला के ई गवर्नेंस के बारे में बात करी गई है, सभी मंत्रालय डिपार्टमेंट सारे इसके अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। इसी प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इनिशिएटिव लॉन्च किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना के डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीवर करेगा ये पोर्टल। इसके अलावा MSME रुपे कार्ड लॉन्च किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये कुछ और इनिशिएटिव है जो कि रिसेंटली लिए गए। 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारी रैंकिंग बहुत ही खराब है और हम लोग 192 कंट्री में से 120वें नंबर पर हैं। हमारे आसपास के सारे कंट्री हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। ठीक है गाइज, चलिए, तो पहले 117 रैंक थी, अभी 120 रैंक है जो कि हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा मुंबई को 5वीं रैंक मिली है ट्रैफिक के अंदर, बैंगलोर को 10वीं रैंक मिली है पूरी दुनिया में, IIT मद्रास को इनोवेशन के अंदर अटल इनोवेशन में नंबर 1 रैंक मिली है इंडिया में। इसके अलावा इंडिया की पोजीशन 82 है दोस्तों। अगर मैं ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स की बात करूं तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दुनिया में 4th साल नंबर 1 पे रही है दोस्तों। ठीक है गाइस, चलिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 17वां फाउंडेशन डे कितनी तारीख को मनाया गया? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का दोस्तों 1 मार्च 2022 को 17 साल है जो कि हो चुके हैं। ठीक है गाइस, स्मृति जुबिन ईरानी है जो कि अभी इसकी हेड है मंत्रालय की, वो देख रही है। 2005 में ये एक्ट है जो कि लागू हुआ था, है ना। चलिए, 1 मार्च 2022 को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? बताइए, दिल्ली बेस्ड वेस्टर्न एयर कमान के बारे में बात करें, आंसर हो जाएगा एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण जी, ये आपका सही आंसर है, जिनको वेस्टर्न एयर कमांड का हेड है जो कि रिसेंटली बनाया गया है। वायुसेना मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको मिल चुका है दोस्तों। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर डिफेंस की बात करें तो अजय वॉरियर इंडिया UK, संप्रीति इंडिया बांग्लादेश, वृज प्रहार इंडिया US, गरुड शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, सूर्य किरण नेपाल और हैंडीनैन इंडिया चाइना। ठीक है, चलिए, कोबरा वॉरियर अभी रिसेंटली पोस्टपोन्ड हो गई है, मिलान एक्साइज नेवल की जो कि हमने अभी कराई है। कौन सी फिनटेक कंपनी ने दोस्तों बैंक साथी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा उड़ीसा के अंदर दोस्तों ये क्या किया है, बैंक साथी नाम का एक साखी है, साथी नहीं है, बैंक साखी, बैंक सखी बोल सकते हो आप इसको, तो बैंक सखी प्रोजेक्ट है उड़ीसा में लॉन्च किया है।
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है जो कि मिलेगा। 11,000 बैंक सखी वुमेन जो है ना भारत पेटीएम प्लेटफॉर्म के साथ में गांव के अंदर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं जो कि यहां पे मिलने वाली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, पुणे में हेडक्वार्टर, एएस राजीव सीईओ हैं, 35 में शुरुआत हुई, विजय काले जी के द्वारा इसको कराया गया। ठीक है, नए चेयरपर्सन दोस्तों नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल के कौन बनाए गए हैं, तो किसको बनाया गया है, भूषण पटवर्धन जी को बनाया गया है। भूषण पटवर्धन जी दोस्तों जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है उसके रिसेंटली चेयरपर्सन है जो कि बने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक के फॉर्मर इकोनॉमिस्ट और IFS ऑफिसर जामनी को एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है ना, फर्स्ट बैंक IDFC फर्स्ट बैंक में। मनोज आहूजा जी को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, CBSE के भी चेयरपर्सन बनाया गया है, दिनेश जी को NCERT के बनाया गया है। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। किस नेता को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया गया, तो पुतिन के दोस्तों जो काम है ना उसके वजह से दोस्तों उनका ये अवार्ड छीन लिया गया, तो 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कम से कम 10 से 20 लाख लोगों की जान जो है, अच्छा जीवन चल रहा था वो सारा खतरे में डाल दिया पुतिन ने, इसीलिए दोस्तों उनका ये ओलंपिक ऑर्डर जो है अवार्ड ये भी छीन लिया गया है। लुसैन में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके अलावा रशिया, चाइना और ईरान तीनों की नेवी मिलकर आप देख सकते हैं सीह्यू नाम की एक एक्सरसाइज है जो कि गल्फ ऑफ ओमान में कर रहे हैं CHIRU। रशिया ने 70,000 AK-203 राइफल इंडिया को दी। इंडियन और नेवल रशिया की नेवी ने मिलकर पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज करी। मॉस्को कैपिटल है, करेंसी रूबल है। रमादीन जी का निधन हो गया दोस्तों, ये कौन से देश के महान क्रिकेटर थे, तो रमादीन जी वेस्ट इंडीज के दोस्तों बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे जिनका रिसेंटली मृत्यु हो गई। 43 टेस्ट मैच खेले, 150 विकेट लिए, 28 का एवरेज थे। ओके, काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग फिगर है जो कि इनके रहे हैं। और भी कई सारे लोगों की अभी रिसेंटली 2022 में मृत्यु हुई है, जैसे कि राहुल बजाज, संध्या मुखर्जी है ना, मिलेना नागास्वामी जी। चलिए, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया पहले ही एम्बुलेंस जो कि स्ट्रीट एनिमल के लिए होगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन से सिटी में इसको लॉन्च किया गया है। ब्लू कलर क्रॉस ऑफ इंडिया, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, चेन्नई में दोस्तों इनको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस एनिमल वेलफेयर के लिए इसको लॉन्च किया गया है, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है जो कि इसको नाम दिया गया है। ओके, चलिए, सरकार ने किस वर्ष के भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करके मशीन निर्मित पॉलिएस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति दी है। मैन्युफैक्चर एंड इंपोर्ट ऑफ मशीन मेड पॉलिएस्टर नेशनल फ्लैग बाय अमेंडिंग द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो ये कब बना था, 2002 के अंदर दोस्तों ये एक्ट है जो कि आया था। ओके गाइस, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो आप क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो मशीन मेड पॉलिएस्टर नेशनल फ्लैग। 2002 का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंडमेंट किया गया है, पहले हैंड स्पन होना जरूरी था, वोवन होना जरूरी था, कॉटन सिल्क का खादी होना जरूरी था है ना, तो 2019 के अंदर बैन भी कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको वापस से चालू कर दिया गया है। ठीक है गाइस, कितनी हाइट होगा, कितना विड्थ होगा, ये सब जो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है अपने। निम्नलिखित में से किसने गुरुग्राम स्थित NGO सहगल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जल खुशहाली नाम का, जल खुशहाली दोस्तों जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये स्माइल फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। नहीं, स्माइल फॉर ऑल नहीं है, स्माइल फाउंडेशन एक और है, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है गाइस, अपन लोग एजुकेशन में काम करते हैं, डेडिकेटेडली अपन एजुकेशन के लिए काम करते हैं है ना, तो स्माइल फाउंडेशन बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो उसी के अंदर दोस्तों ये पहल फाउंडेशन और ये इन्होंने मिलकर है जो कि यहाँ पे पानी के लिए जल खुशहाली प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया है, करौली डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान के अंदर इनके वहाँ पे इसकी लॉन्चिंग है जो कि सबसे पहले करी गई थी। ठीक है, मार्च के में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशाचेबाजी में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो अभी रिसेंटली इजिप्ट के कायरो के अंदर स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप है जो कि करवाया जा रहा था, तो उसमें पहला गोल्ड मेडल सौरभ चौधरी के द्वारा जीता गया है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, फर्स्ट गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, जर्मनी को प्लेयर को इन्होंने यहाँ पे हराया है दोस्तों। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका सेशन,
अनअकैडमी पे BHU10 या BHU10 लगाना ना भूलिए। किसी भी एग्जाम के रेफरल कोड के लिए आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। लास्ट ईयर 170 बच्चों ने भी दोस्तों, ज़्यादा लोगों ने जो है UPSC क्रैक किया अनअकैडमी की मदद से। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है यहाँ पे 40 प्लस एग्जाम में से, उसके बाद में प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और BHU10 आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक बच्चे की एजुकेशन आप smileforallsociety.org के वेबसाइट पे जाके, ओके स्पॉन्सर है चाइल्ड पे जाके, हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन पे जाके दे सकते हैं। नेक्स्ट है, वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्ष परियोजना का शुभारंभ किसने किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन, मिलते हैं 8 बजे वाले सेशन में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।